कुछ फिल्मों के नाम बताऊंगा। होली एक फिल्म आई थी, केतन मेहता की फिल्म थी, प्रोड्यूस किया था प्रदीप उप्पर ने। प्रदीप उप्पर मनमोहन शेट्टी जो एडलैब वाले हुआ करते थे पुराने समय, उनके दोस्त हुआ करते थे, मैं उन दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और केतन मेहता के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। मैंने सबसे पहली बार केतन मेहता के साथ एक एंटी अल्कोहलिज्म एक घंटे की एक फिल्म बनी थी, उसमें मैंने काम किया था, पहला कदम या एक ही कदम, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। दारू वाले का रोल किया था, जो अल्कोहलिक का रोल किया था। और उसके बाद उन्होंने न जाने कितने एक्टर्स के बीच में से मेरा चुनाव किया सरदार फिल्म में महात्मा गांधी का रोल करने के लिए। बहुत अजीब बात है कि पहली बार आपने किसी डायरेक्टर से एक शराबी का रोल किया हो और दूसरी फिल्म में उसकी जौहरी की नज़र देखी है आपके, उसने आपको गांधी के रोल के लिए चुना। तो ज़ोरदार तालियां केतन मेहता के लिए। इस फिल्म की कास्ट थी आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, आशुतोष गवारीकर। आशुतोष गवारीकर ने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है हमारे सामने, लगान इस तरह की फिल्में बहुत कम बना करती हैं। ज़ोरदार तालियां आशुतोष के लिए। इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था रजत ढोलकिया ने। फिल्म को नेशनल अवार्ड बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के लिए नेशनल अवार्ड मिला था जहांगीर चौधरी को। ये जहांगीर चौधरी ने नाम कमाया लेख टंडन की एक फिल्म से जिसका नाम था दुल्हन वही जो पिया मन भाया। और ये जहांगीर चौधरी वॉज मैरिड टू मोनिका, जिन्होंने बहुत दुखदाई स्थिति के अंदर इस जीवन से हाथ धो लिया, आत्महत्या कर ली। मोनिका चित्रा सिंह की बेटी थी, जगजीत और चित्रा सिंह की बेटी थी। और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आज जगजीत सिंह भी इस दुनिया में नहीं है, इस बहाने उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते। तो जहांगीर चौधरी वॉज मैरिड टू मोनिका। इसी साल रमेश तलवार की एक फिल्म आई थी दुनिया, जिसे प्रोड्यूस किया यश चोपड़ा ने। फिल्म की कहानी लिखी जावेद अख्तर ने, कास्ट ऋषि कपूर, दिलीप कुमार, अमृता सिंह, प्राण अमरीश पुरी। फिल्म का म्यूजिक बाय आर डी बर्मन। और बी आर चोपड़ा साहब की भी एक फिल्म आई एज ए प्रोड्यूसर, आज की आवाज़। फिल्म को डायरेक्ट किया था उनके बेटे रवि चोपड़ा ने और म्यूजिक रवि का, गीत लिखे हसन कमाल ने। इस फिल्म के गीत आज की आवाज़ के लिए हसन कमाल को बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था। कलाकार थे राज बब्बर, स्मिता पाटिल, नाना पाटेकर। बहुत सारी फिल्में आई हैं। म्यूजिकली ये वो टाइम था जहाँ एक ट्रेंड चेंज हो रहा था। इक्का दुक्का कोई आ जाती थी फिल्में, उत्सव जैसी फिल्में, जहाँ एक मास्टरली स्ट्रोक आ जाता था। लेकिन यहाँ से ही इंडस्ट्री के अंदर, ऐसा नहीं बोलूँगा कि यहीं से बप्पी लहरी ने शुरुआत की, लेकिन बप्पी लहरी आना शुरू हो गए। पश्चिम के जब मैं कंपोजिशन सुनता हूँ तो भारत के तीन राग बड़े प्रखर और मुखर रूप से दिखाई देते हैं, किरवानी, पहाड़ी और भैरवी। ये तीन एक ऐसे राग हैं, तुम्हारा प्यार चाहिए कहीं ना कहीं, दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। ये किरवानी का जो रूप सामने आता है ना, शोला था जल बुझा हूँ वो, ये मैं दिस हवाएं मुझे न दो शोला। मेहंदी साहब ने बहुत कमाल का इस्तेमाल किया, लक्ष्मी जी ने बहुत कमाल का इस्तेमाल किया, ओपी नैयर साहब ने आंखों जो तेरी है दिल में तस्वीर है एक अनजाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे क्या बात है उस परवाने की, आंखों से जो तेरी है दिल में। क्या खूबसूरत। आऊंगा उस साल में आएंगे जब बात करें। 1984 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और चलने का समय होगा। 1984 में एक और फिल्म का म्यूजिक कमाल का बनाया था आर डी बर्मन ने। और हमारा सौभाग्य के स्टूडियो में हमारे साथ बीरबल साहब भी मौजूद है। जोरदार तालियां बीरबल जी के लिए। राज खोसला की हर फिल्म में म्यूजिक हमेशा लाजवाब रहा है, क्योंकि राज खोसला डायरेक्टर बनने नहीं सिंगर बनने आए थे जी, इसलिए उनको म्यूजिक का बड़ा ज्ञान था। और सनी का हर गाना लाजवाब है। सनी क्या गीत सुनवाएंगे हमारे स्टूडियो में, कुणाल बैठे हुए हैं तो कुणाल सनी फिल्म का जाने क्या बात है,
क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात। बंगला में बनाया था आरडी बर्मन ने कंपोजिशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन। मैं आपको बोल रहा हूं, आप सबको ये गाने सुनने के बाद आपके हृदय के जो तंत्र हैं उनके ऊपर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है, विश्वास मानना आप। जीवन जीने की प्रेरणा मिलती इन सुरों के अंदर, जादू है। खुश रहें और जवान रहें, जवानी सदैव मुस्कुराती रहे, इसी शुभकामना के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा उस प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर में 80 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7.